So here we are going to do some study notes about garbage in and garbage out of class 6 science. So first topic is segregation of waste. So garbage or waste may be in form of fruit or vegetable peels, discarded object, wrapping material, waste food as household garbage or discarded chemicals as and fertilizer washed into rivers, domestic sewage. This waste can be segregated into biodegradable and non-biodegradable. तो अभी यहाँ पे हमारा जो वेस्ट है, वेस्ट के दो सेक्शन हो रहे हैं, एक तो बायोडिग्रेबल सेक्शन हो रहा है, एक नॉन बायोडिग्रेबल सेक्शन हो रहा है. अभी वेजिटेबल पिल्स है, ऑब्जेक्ट है, रैपिंग मटेरियल है, वेस्टेड फूड है, हाउस होल्ड गार्बेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये सारी चीज़ों को हम वॉश करके डोमेस्टिक स्वेज में यूज़ करते हैं. तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, बायोडिग्रेबल एंड नॉन बायोडिग्रेबल. तो बायोडिग्रेबल में क्या आता है, वेस्ट दैट रोट बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेबल वेस्ट. तो वेस्ट दैट रोट मतलब सड़ जाना, खराब हो जाना, अंडर गो डिग्रेडेशन बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर. डिकम्पोजर मतलब उसके साथ होता है ऑर्गेनिज्म, आर कॉल्ड बायोडिग्रेबल वेस्ट. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, पेपर्स and leaves decay very easily. This waste mix with the soil and vegetable peels है, paper and leaves जो है वो waste को soil के साथ mix करते और manure produce करते. Waste that do not rot by action of decomposer are called non-biodegradable waste. तो जो waste है, जो ख़राब नहीं होता है, डिकम्पोजिंग प्रोसेस, द वेस्ट इज नॉट रोट बाय डिकम्पोजिंग मेथड, दैट वेस्ट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट. ग्लव, प्लास्टिक्स, मेटल, मैनी ऑफ देम कैन बी रिसाइकल टू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ वेस्ट, टू गार्बेज बिन्स, one for biodegradable waste and one for non-biodegradable waste should be used. This will help in easy sorting and recycling of waste to make beneficial product. तो अभी recycle करना है waste को और दूसरी renew करनी है चीज़, तो उसके लिए क्या है, हमारे लिए beneficial product बन के रहेगा. So use me. So there is a green one and the one second one is blue. Both are the beans. So green beans are used for biodegradable waste like a vegetable, fruit peel, spoiled food, tea leaves, eggshells, tissue paper, leaves, hair. Ye sab green beans mein jayega. Blue beans are for recycled waste like a glass bottle, plastic waste, old batteries, chocolate wrappers, polythene bags, etc. So best out of waste. Second is best out of waste. तो waste में से best कैसे बनाए, तो rock garden है चंडीगढ़ में, excellent example है, solid waste can be utilized. हाँ, वहाँ पर सारा कचरा उन्होंने use किया है. और उसमें से उन्होंने सारी चीज़ें बनाई है, प्लास्टिक की बॉटल, एग के शेल, ट्यूब लाइट, इनोवेटिव आइडिया यूटिलाइजिंग सॉलिड वेट हैज मेस्ट रॉक गार्डन वेरी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. बाद में आता है मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है,
तो यहाँ पे हमें थोड़े अलग अलग सम ऑफ द वेज वी हैव गिवन हियर टू मैनेज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एज फॉलो. फर्स्ट इज कंपोस्टिंग, सेकेंड इज लैंडफिल्स, देन वी विल सी मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हाउ टू रिड्यूस, हाउ टू रीयूज, हाउ टू रिसाइकल, हाउ टू रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, देन कीवर्ड्स आर देयर एंड समरी वी विल सी इन दिस वीडियो. सो लेट्स सी मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो सिंस बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल पिल्स, वेस्ट फूड लीव्स, डेड फ्लावर्स एंड एक्सेल्स कैन बी रिसाइकल, दे आर कन्वर्ट इंटू मैन्योर बाय बरिंग देम इन कंपोस्ट पिट. रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल पिल्स, वेस्ट फूड लीव्स ETC by burying them into compost pit is called composting. So dead flowers eggshells वो सारे recycle हो गए, they are converted into manure by burying them in compost pit. तो वो सारे convert होते हैं into manure by burying them in compost pit. Recycling of organic waste, organic waste को recycle करना, जैसे कि vegetable peels है, वेस्ट फूड है, लीव्स है, बाय बरिंग दैम टू कंपोस्ट पिट कॉल कंपोस्टिंग. तो ये सबको क्या करना है, पिट में डालना है और फिर उसको रोट करने के लिए छोड़ देना है. तो कंपोस्टिंग इज सिंपल एंड ऑलमोस्ट एफर्टलेस प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग द बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डिगार्डेड बाय एक्शन ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी. There is also a different kind of composting where a kind of earthworm called redworms. तो एक तो वेस्ट जो है वो बैक्टेरिया और फंगी जो है there is also different kind of composting. जैसे कि रेड अर्थवर्म्स है, नहीं तो रेडवर्म्स हम ले लेते हैं, एक्ट ऑन अ वेस्ट एंड डिग्रेड देम. सो दिस टाइप ऑफ कंपोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल रेडवर्म्स एंड इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग. तो ये जो कंपोस्टिंग है हम जो यूज़ करते हैं अर्थवर्म रेडवर्म्स के लिए, इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग. Red worms break down the organic matter into nutrient-rich manure which increase soil fertility. तो वर्मी कंपोस्टिंग जो है, रेड वर्म्स जो है ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक करते हैं न्यूट्रिएंट रिच मैन्यूअर में विच इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. तो उसमें से क्या बनता है, मैन्यूअर बनता है. ये सब रोट हो के फिर हम वो प्लांट में डालते हैं, प्लांट को अच्छा ग्रोथ मिलता है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. तो उसकी वजह से हम जो वेस्ट है वेस्ट को रीयूज़ करेंगे एज अ मैन्यूअर. तो वर्मी कंपोस्टिंग कैन बी मेड 3-4 वीक्स एंड इट्स अपियर लूज सॉइल लाइक मटेरियल. तो 3-4 वीक में हो जाता है, फिर सॉइल जैसा मटेरियल हो जाता है. वन शुड नॉट पुट एनिमल प्रोडक्ट और ऑयली सब्सटेंस इन द पिट्स एज इट कुड लीड टू ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आपको देखो फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, सारे अर्थवर्म्स डाले हुए हैं और दूसरे में सारे वेजिटेबल्स और वेस्ट पील्स और सारा जो भी कचरा है वो सारा डाला हुआ है उधर. ओके, तो ये जो फिगर था वो वर्मी कंपोस्टिंग का था. ओके, नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज लैंडफिल्स. सो लार्ज एरिया यूज फॉर वेस्ट डिस्पोजल
कॉल्ड लैंडफिल्स। लैंडफिल्स तो हमने देखी है, जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के लिए हम जो लैंडफिल बनाते हैं उसको बोलते हैं, सॉरी लार्ज एरिया यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लैंडफिल। लैंडफिल इज़ अनदर मेथड टू मैनेज यूज अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो लैंडफिल क्या है, जो दूसरी मेथड है मैनेज करने के लिए यूज अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इन अ लैंडफिल गार्बेज इज बरीड इन अ वे, इन सच अ वे दैट इज डज नॉट डैमेज द एनवायरमेंट। तो गार्बेज क्या है, बरीड इन सच अ वे डज नॉट डैमेज एनवायरमेंट। तो ऐसी जगह पे वो गार्बेज लेके जाते हैं कि जिसकी वजह से क्या है, वो रोट भी हो तो एनवायरमेंट को डैमेज ना करें। गार्बेज बरीड इनसाइड लैंडफिल स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज डिकम्पोज वेरी स्लोली। आफ्टर अ लैंडफिल इज फुल इट कैन कन्वर्ट इनटू अ पार्क। फॉर एग्जांपल इंद्रप्रस्थ पार्क इन न्यू दिल्ली इज बिल्ट ऑन अ लैंडफिल साइट। तो जब लैंड बहुत सारे टाइम के बाद जब लैंडफिल के ऊपर जो कचरा है वो डिकम्पोज हो जाता है, फिर उसके ऊपर पार्क बना देते हैं। सो हियर यू कैन सी द फिगर स्ट्रक्चर ऑफ लैंडफिल। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सब कचरा इकट्ठा होगा, फिर डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होके थोड़े दिनों के बाद वहाँ पे बन जाएगा क्या, लैंड पार्क। अभी आता है मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट। एज नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक बैग, ग्लास बॉटल कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय डिकम्पोजर, दैट डिस्पोजल पोजेस अ बिग प्रॉब्लम। तो नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट है जैसे कि प्लास्टिक ग्लास, ग्लास बॉटल, तो ये सब डिकम्पोज नहीं होते, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये सारे नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें तीन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहला कॉन्सेप्ट आता है रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। सो रिड्यूस, वी नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय कंज्यूमिंग मोर एंड थ्रोइंग अवे लेस। तो हमें अगर रिड्यूस करना है अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय कंज्यूमिंग मोर एंड थ्रोइंग अवे लेस, तो वेस्ट को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करके जनरेट करना है और थोड़ा ही फेंकना है, तो क्या करना है, वी ऑफन बाय मोर थिंग्स दैट वी रियली नीड। नाउ द डिस्पोजेबल आइटम हैव बिकम मोर पॉपुलर। हाँ, बॉल पेन, बॉल पॉइंट पेन, पेन खत्म फेंक, प्लास्टिक बैग फेंक, डिस्पोजेबल नैपकिन यस यूज़ किया फेंक दो। वी आर यूजिंग दैम फ्रीक्वेंटली विदाउट गिविंग अ थॉट टू देयर हैजर्डस इफेक्ट। सो रिड्यूसिंग वेस्ट, यूज फाउंटेन पेन इन प्लेस ऑफ बॉल पॉइंट पेन, यूज ऑनली न्यूज़ पेपर फॉर पैकिंग एंड यूज क्लोथ नैपकिन इन प्लेस फॉर डिस्पोजेबल। रीयूज, वी कैन रीयूज सर्टेन थिंग्स फॉर मोर देन वन पर्पज। इफ यू रीयूज दैम फॉर अदर पर्पजेज वी कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्ट। हियर आर सम ऑफ द टिप्स फॉर रीयूजिंग थिंग्स। स्मॉल जार्स एंड बॉटल्स कैन बी क्लीन टू कीप अदर किचन स्टफ। वन शुड प्रिफर ग्लास बॉटल टू मेटल, सॉरी कैन वैन बाय जूस और सॉफ्ट ड्रिंक, द बॉटल कैन बी रिफिल। तो अगर हमें जूस या सॉफ्ट ड्रिंक लेना है तो हम ग्लास की बॉटल नहीं तो मेटल की बॉटल प्रेफर करेंगे, जिसकी वजह से क्या हम फिर से उसको भर सकते हैं। ओल्ड क्लोथ्स कैन बी मेड इनटू यूज लाइक कुशन कवर, हैंकरचीफ। ओल्ड मोबाइल फोन कैन बी डोनेट टू फ्रेंडली और फैमिली। रिसाइकल, रिसाइकल द प्रोसेस बाय विच वेस्ट मटेरियल मेटल प्लास्टिक एंड पेपर आर कलेक्टेड सेपरेटेड एंड रिसाइकल टू मेक न्यू थिंग।
now recycling of plastic. So what we will do, we will take one bucket, bottle, toy, shoe, bag, pen, comb, our few things are made of plastic. So use of plastic has upon heating and burning. They can also contaminate foodstuff. If eaten by animal, plastic can choke and kill them. Atak jayega aur uske wajah se animals mar jayenge. So therefore one should reduce and reuse plastic item as far as possible. When plastic item are to be discarded, they should be recycled to make new things. Not all the plastics generate are recycled, hence causing much damage to life on earth. In many places in India, plastic are totally banned, seeing its adverse effect on the environment. Some of the ways to reduce, reuse and recycle plastic are as follows. Paper, cotton and jute bags should be preferred over plastic. Some disposable plastic container and jar can be used to grow plants. Empty bottle can be refilled for storage of water and other liquid stuff. Think about the number of times you buy bottle of water and when you are out. Instead, you can fill and use the bottle and carry out whenever you are out. Zip foil can be reused after cleaning truly each time after storing foodstuffs. Plastic bag ki jagah pe paper bag. Disposable plastic container can be used to grow plants. Baad mein aata hai recycling of paper. Now recycling of paper. Paper is made from trees are essential for our survival on earth. So even if paper is biodegradable, depletion of trees at a fast pace is a big concern. Therefore, to save trees we must use paper carefully. Some of the ways to save paper are, you should always write on both sides of paper sheets. Unused paper from old notebook can be torn off and made a new notebook for doing rough work and other miscellaneous work. We can also reuse envelopes and cover by using stickers to write new addresses. We can also make a fresh paper from old newspaper. By now, we know how harmful garbage accumulation can be, but by following the three R's concept, reduce, reuse and recycle, we can manage the garbage generated in our surrounding so that it is beneficial to environment. Now keywords: biodegradable waste, non-biodegradable waste, composting, vermicomposting, landfills and recycling. So waste that rot by action of decomposer are called biodegradable waste. Waste that rot by the action of decomposer are called biodegradable waste. Non-biodegradable waste. Waste that do not rot by action of decomposer are called non-biodegradable waste. Composting, recycling of organic waste like vegetable peels, waste food, leaves, etc. By burying them, compost peels is called composting. Recycling of organic waste like vegetable peels, waste food, leaves, etc. by burying them in compost pit is called composting. Vermicomposting. Composting with the help of a type of earthworm are called redworm is called vermicomposting. Landfills. Large areas used for waste disposal are landfills. Recycling. The process by which waste material are used to make new product is called recycling. Summary.
There are mainly two types of waste based on their ability to rot over a period of time, biodegradable and non-biodegradable waste. Dead plants and animals and their products decay on while objects like plastic and glass do not. Vermicomposting and landfills are two ways to manage solid waste. By practicing the concept of reduce, reuse and recycle, we can manage our waste well. And here we have completed the study notes. Waste disposal. Garbage and waste, if not disposed properly, causes many serious problems. In this video, we will discuss some of the methods of waste disposal. Landfill. Waste collectors collect waste from our homes, offices, hospitals, etc. in their truck and take it to an open area called landfill. Such area is often a low-lying area of ground. Usually, garbage contains biodegradable waste which can be decomposed by microorganisms. Garbage also contains non-biodegradable waste which cannot be decomposed by microorganisms. In landfills, the non-biodegradable waste is separated from the garbage. Remaining biodegradable waste is spread over the ground and buried under a layer of soil for decomposition. Building construction is restricted in such areas. Once the landfill is filled completely, the area is used for the park. Composting. The method of producing manure from biodegradable waste is called composting. In this method, garbage is collected in two separate dust bins. A green bin is used to collect biodegradable waste such as vegetable remains, fruit pills, dry leaves, while a blue bin is used to collect non-biodegradable waste such as plastic material, broken glass, metallic waste, etc. Waste from green bin is collected in a pit and it is buried under the soil. After some days, the microorganisms present in the soil convert the waste into manure. This is called composting. It is possible to add heaps of garbage in the same pit with some days interval until the pit gets filled with manure. It is then used as manure for plants in garden or farm. Vermicomposting. An improved method over traditional composting is vermicomposting. It is basically the decomposition of organic material by earthworm. Here are the steps to do so. First, dig a pit about 30 cm deep at a place where there is a moderate temperature. Not so cool, not so hot. Prepare a 2 cm layer of sand in this pit. Spread the vegetable waste, plant leaves, husk and similar waste in the pit. Do not press the layer. Keep it loose. Now apply small quantity of water on this layer to make it wet. Buy some earthworms and put them on this layer. Cover the pit with gunny bag so that birds will not eat the worms. Feed the earthworms with food such as vegetable and fruit waste, weeds from field, husk, etc. Do not put food such as pickles because it may generate disease causing microorganisms. Worms use gizzards to grind their food. After 3 to 4 weeks, the waste turns into dark colored compost. During this time, the number of earthworms also get doubled. To collect compost, put some food at one corner so that the worms move in that corner. Now, we can remove the compost from the vacated part.
The compost is then dried for few hours in sun and then can be used as manure. 3 R's of waste management. These includes reduce, reuse and recycle. We should reduce the use of things such as paper by digital communication, plastic bags by using cotton bags, etc. Many waste things can be reused for different purposes, such as from waste papers, it is possible to make decorative things. Waste plastic bottles can be used to grow plants. Waste cloths can be used to make bags, etc. Material such as paper, glass, plastic can be recycled by appropriate method. Recycling minimizes the waste and reduces the amount of raw materials required to make similar things. So I hope you understood this topic very well. Thanks for watching this video. सभी रहवासियों से अपील है कि वो अपने घरों में ही गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें। वो क्या दीदी, अलग अलग करके क्यों डालें? कचरा तो कचरा होता है। देखो, अगर पन्नियाँ, कीलें, बैटरी अगर खाने की चीजों के साथ फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं इसे कोई जानवर खा लेगा, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है और मरे हुए जानवर से मक्खियाँ और कई बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। हाँ हाँ, आप सही कह रही हो दीदी, पर ये गीला और सूखा कचरा है क्या और इसे कैसे सही जगह पहुँचाएं? इसके लिए आप घर में दो कचरे के डब्बे रखिए, एक डब्बे में गीला कचरा और दूसरे में सूखा कचरा। गीला कचरा मतलब सब्जियाँ, फलों और अंडों के छिलके, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना, कागज, मिट्टी वगैरह। ये गीला कचरा या तो कचरा गाड़ी के हरे भाग में डालिए या फिर इनसे केचुआ खाद बनाकर गमले में डालिए और अपना परिसर हरा भरा बनाइए। और सूखा कचरा क्या? और सूखा कचरा जैसे बैटरी सेल, कांच, बोतल, थर्माकोल, लोहा तार, कीले, बिजली के खराब उपकरण, पन्नियां, प्लास्टिक के डब्बे और न्यूज़पेपर आदि को कचरा गाड़ी के नीले भाग में डालें, जिससे इनका रिसाइकल होकर उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकें। अरे वाह दीदी, कचरा इतना उपयोगी हो सकता है ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब हम हमेशा गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन्स में ही रखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 विश्व का सबसे बड़ा अर्बन स्वच्छ सर्वेक्षण। हर शहर में जगी है स्वच्छता की ज्योत।